अब आपके सामने मोहम्मद अशरफ फातमी साहब से गुजारिश है कि माइक पर तशरीफ आए और उर्दू अदब के बारे में रोशनी डालेंगे। मैं फातमी साहब से गुजारिश करूंगा वो आए, और ये साल हमारे शेख अहमद अली संजय भाई साल पेश कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। जनाब सदर, एमएलए डॉक्टर फराज फातमी, मंच पे मौजूद सभी शोरा कराम और जलसे में मौजूद सभी ख्वातीन और हजरात, सिकंदरपुर में एक चीज देखते हैं, ताली बजाने का रिवाज कम है। ताली बसती नहीं, फूल पहनाया गया ताली नहीं, हम यहां आए ताली नहीं, क्या बात है, कंजूसी है कुछ क्या? सब शायर भाग जाएगा। साथियों, ऐसे तो हम लोगों का अब रिश्ता है आप लोगों से, और मैं पिछली दफा भी मुशायरे में आप लोगों के बीच में आया था और लंबी बात भी आपसे हुई थी और मैंने कुछ बातें भी यहां रखी थी। अभी जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक पोस्टर देखा और वो पोस्टर हिंदी में था और ऐलान उसमें मुशायरे का हो रहा था। कम से कम अगर मुशायरा है और कवि सम्मेलन भी साथ में है तो कम से कम आधा उर्दू का इस्तेमाल होता, जैसे यहां स्टेज पे हो रहा है। और मेरे ख्याल से जब मैं अलीगढ़ का तालिबे इल्म था 1971 में, तो मेरे बहुत सारे साथी जो उत्तर प्रदेश से आते थे वो अपनी अम्मी को अब्बा को जब खत लिखा करते थे तो जबान तो उर्दू हुआ करती थी लेकिन लिखते थे देवनागरी में, अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छी उर्दू होती थी लेकिन देवनागरी में। तो मैंने पिछली दफा भी उर्दू के तरफ से आपसे एक बात कही थी कि उर्दू हिंदुस्तान की एक बड़ी अजीम जबान है जिसकी अपनी एक बहुत बड़ी तारीख है। आप में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि उर्दू और हिंदी में उर्दू बड़ी बहन है। पहले उर्दू में शायरी हुई, उर्दू लिखी गई, उर्दू के अल्फाबेट आए, फिर बाद में हिंदी आई। अलबत्ता आज से 700-800 साल पहले जब उर्दू की शायरी होती थी तो उसमें ज्यादातर जो अल्फाज थे वो उस जमाने में जो लोकल जबान बोली जाती थी लखनऊ के इलाके में, आपके इलाके में, दिल्ली के इर्द गिर्द, उसका असर उसमें ज्यादा होता था। और अगर आप कव्वाली सुनते होंगे, पुरानी कव्वाली, छाप तिलक सब छीन ली ना मुंह से अखियां मिलाई के, तो ये आपको उर्दू नहीं लगेगी आज, लेकिन ये उर्दू थी। धीरे धीरे इसमें अरबी का असर हुआ, धीरे धीरे फारसी का असर हुआ, और आज धीरे धीरे फिर बहुत तरह का असर हो रहा है। तो इस पूरी तारीख है जिसके अंदर आजादी की लड़ाई है, इसके अंदर आपकी हजारों किताबें हैं जो आपके मजहब से जुड़ी हुई हैं, इस्लामी तारीख से जुड़ी हुई हैं, हिंदुस्तान की तारीख से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम उर्दू जानते नहीं।
अगर अब मैं पूछूं कि आप में उर्दू कितने लोग समझते हैं तो सब हाथ उठा दीजिएगा, लेकिन मैं एक सवाल आपसे करूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो उर्दू बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, हाथ उठाएं आप। मेरे ख्याल से 10% नहीं है, उससे भी कमी होगी। तो मैं पिछली दफा जब मैं आया था तो मैंने आपसे 10% से कमी है, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं सिकंदरपुर के लोगों को कि उर्दू से कहीं ना कहीं मोहब्बत है आपको, और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी छोटी सी जगह होने के बाद इतनी बड़ी तादाद में यहां पर है। आप मेहरबानी करके आज जो उर्दू बची हुई है उसमें मदरसे का दखल बहुत बड़ा है। शायद मदरसा नहीं होता तो उर्दू हिंदुस्तान में बसता भी नहीं, लेकिन आज एक कोशिश हुई है हिंदुस्तान के अंदर, फिर से हो रही है। उत्तर प्रदेश में सेकंड जबान बनी, बिहार में बनी, आज कर्नाटका में सैकड़ों स्कूल हैं उर्दू के, मध्य आपके महाराष्ट्र के अंदर हैं। और जब मैं वजीर था भारत सरकार का तो मैंने बड़ी कोशिशें की दो तरह से। एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मैंने 5 कैंपस, फातिमी कमेटी बनी थी हमारे ही नाम से, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 5 कैंपस खोला हमने, जो 3 खुल भी गया, मुर्शिदाबाद, किशनगंज और मालापुरम, और 28 मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में, उसके कैंपसेस के हमने ऑर्डर दिए थे जिसमें 500 करोड़ रुपया खर्च होना था। बहुत जगह पे खुल गया आपके उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में और संभल में, बिहार में दरभंगा में, आसनसोल, श्रीनगर, आपके बेंगलोर, इस तरह करके पूरे देश में। और आपको जान करके खुशी होगी कि आज उर्दू जबान में ITI, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BTech, MBA, फार्मेसी, BEd, MEd, इस तरह की जो बहुत सारे कोर्सेज हैं जिससे रोजगार से जुड़ता है उर्दू। और मैं समझता हूं कि अंग्रेजी के बाद ये उर्दू सबसे बड़ी जबान बन के फिर से उभर रही है, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन दिया जाने लगा है। आज आपने आज या कल ही बयान सुना होगा RSS का, उन्होंने क्या कहा है जबान के मामले में, अगर आपके नजरों से गुजरा हो तो उसे देखिएगा और पढ़िएगा कि निसाब के अंदर भी वो भगवाकरण चाहते हैं, और इसको किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान की आवाम, सेकुलर आवाम बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इसलिए साथियों, मैं सिकंदरपुर के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, आप हिंदी पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएं, वो हिंदुस्तान की कामकाज की जबान है। अंग्रेजी दुनिया में कहीं भी जाएंगे इसकी जरूरत है, अंग्रेजी भी अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, लेकिन साथ साथ एक जबान जो आपसे जुड़ी हुई है, आपकी तारीख से जुड़ी हुई है, उर्दू, इसकी तालीम भी अपने बच्चों को जरूर दें। ये सिर्फ आपकी पहचान नहीं, ये मुल्क की पहचान है। मैं ज्यादा कुछ और नहीं कहूंगा, मैं तो शायर हूं नहीं, शेर बहुत याद हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि देर बहुत हो गया है और आप शोरा कराम को ही सुनिएगा। और मेरी इतनी ही अपील आज इस मुशायरे के जरिए आपसे कहना चाहता हूं कि जहां एक तरफ हिंदी फले फूले आगे बढ़े, अंग्रेजी कहा मैंने कि इसके बगैर काम नहीं चलना दुनिया का,
और उर्दू इससे जुड़िए और इंशाअल्लाह तरक्की करिए और पढ़िए जरूर, बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए, कॉलेज जरूर भेजिए, इसमें कंजूसी मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया और एक मरतबा ताली जरूर बजा दीजिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया।